ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। मैं निकल रहा हूँ यूपी के लिए, रात के 10 बज रहे। मेरे घर पे किसी को नहीं पता है मैं गांव आने वाला हूँ, ये सरप्राइज़ है। और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा, जो भी यूपी तक जो भी होने वाला है मैं आपको पूरा ट्रेन में क्या क्या होएगा और घर तक कैसे पहुँचेंगे मैं आपको पूरा अपडेट दूँगा ये वीडियो में। और अभी 10 बज रहे रात के, मेरी ट्रेन 1 बजे की है, बट मैं अभी यहाँ से मानसरोवर स्टेशन जाऊँगा, देन वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ूँगा एंड पूरा LTT जाऊँगा। बाकी जो भी है तो बता दे दूंगा। खाएगा स्टेशन उतर गया क्योंकि मेरा एक दोस्त आने वाला था, इसी की वजह से मैं खाएगा स्टेशन उतरा हूँ। अभी वो आएगा तो मैं आप लोगों को उससे मिलवाता हूँ, दानिश खान से। मैं जो मेरे दोस्त का वेट कर रहा था इसके लिए मैं खाएगा स्टेशन उतरा था, वो आ गया है और यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा है, फ़ोन पे बिजी है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रखता बैठ गया। अभी जो ट्रेन आएगी खाएगा के लिए, अपना सॉरी कुल्ला जाने के लिए, वो ट्रेन हम पकड़ के जाएंगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंच चुका हूँ और अभी 11:16 हो रहा है, मतलब अभी ट्रेन को मेरे जो मैं जो ट्रेन से जाने वाला हूँ वो ट्रेन को आने में 1 घंटा 20 मिनट है। मेरी जो कुल्ला टर्मिनस के स्टेशन के अंदर का सीन है, ये सब बनाया हुआ है। 11:20 हो रहा है, अभी 20 मिनट बाकी है। अभी तो यहाँ पे फिर भी खाली है ट्रेन सब जगह, यही हम अप्रैल मई में गांव जाते हैं तो पूरा फुल होता है एकदम। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं अप्रैल मई में जब हम जाते तो कितने ट्रैफिक कितना गर्मी। खंडवा स्टेशन पहुंच गए, खंडवा पहुंचने का टाइमिंग था 10 बजे का, 12 बज गए। हमारी ट्रेन 2 घंटा लेट है, ये हमारी ट्रेन खंडवा स्टेशन। खंडवा स्टेशन जो है वो MP में है। खंडवा स्टेशन पर आ गए होंगे और यहाँ पे ट्रेन 1.5 घंटा ट्रेन लेट है, 10 बजे का टाइमिंग था, 11:20 हो रहा है दोपहर का। अभी MP में एंटर हो चुके हैं, अभी तो समझो
पहुंचने वाले हैं। झांसी आने वाला है, थोड़े टाइम में झांसी आ जाएगा। ट्रेन 1.25 घंटा लेट है। सब सोच सादा खाना बीच खाना पता है इसी सब खाना। झांसी स्टेशन आ गया है, यूपी में एंट्री हो गई है और यूपी में एंट्री होते साथ ही आप लोग देख लो ठंडी का नज़ारा है बहुत। ये देखो ठंडी है, सब ठंडी ठंडी हवा चली बहुत तेज, बहुत ठंडी है। ये हमारी ट्रेन है, ठंडी लग रही है भाई, ठंडी बहुत है यूपी में। यूपी में एंटर करते साथ ही अभी रात के 2:30 बज रहे, लखनऊ स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन में थी मेरी ट्रेन, 1.5 घंटा लेट है मेरी। मुझे गोंडा स्टेशन पहुंचना है 4 बजे, 5 बजे या 5:30 बजे पहुंचूंगा। ठंडी बहुत हो रही है। ये है बैंड्रा, बैंड्रा जाने की ट्रेन है गोवा एक्सप्रेस और ये मेरी ट्रेन है गोरखपुर जाने की। एक तरफ है गांव जाने की, एक तरफ है वापस मुंबई जाने की ट्रेन। बट को इंसिडेंट दोनों साथ में खड़े। टेम्परेचर है 12 का और ठंडी बहुत है। ये मेरी ट्रेन है, यहाँ पे मेरी सीट है। ठंडी बहुत हो रही है, बस है यूपी का कैपिटल इज लखनऊ, आपको का शहर है भाई। मैं अपना स्टेशन पे पहुंच गया गोंडा स्टेशन पे, मेरा गांव का स्टेशन है गोंडा स्टेशन और बहुत ही ठंडी है ये गोंडा स्टेशन। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ गोंडा स्टेशन और ठंडी बहुत है। देखिए एकदम स्वीटर है, मौसम है। अब मैं मेरे घर जाऊंगा। ये गोंडा स्टेशन है। सबसे मजेदार की बात ये है कि अब यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे सामान रात के और कैसा लेके जाते हैं, एक जीप में कैसा 2500-3000 बैठे सामान। अभी ऐसा है ना, बाद में दिखाता हूँ कैसा। नाक लाल हो गई एकदम, ठंडी है भाई। हमारा सिटी है गोंडा, पहुंच गया। हाँ हमारा डेरी से घर का, ये घर का डेरी, ये हमारे घर का इनसाइड, ये हमारे घर के अंदर का है डेरी से खेत है डिटेल्स पे। ये
मेरे घर से फ्रंट व्यू है, ये मेरा घर है, ये मेरे घर के सामने ये हमारा आम का झाड़ है, ये घर के सामने खाट पे बैठ कर ये सामने का व्यू है, बहुत ही मस्त व्यू है, बहुत ही मस्त। ये सामने जो है वो हमारा खेत है, और झाड़ जो है वो हमारे झाड़ है, ये हमारा गांव है। ये जो है इसमें भूसा रखा जाता है भैंस के लिए खाने के लिए, और ये है अभी रात में आग जलाएंगे इसका, और इसके आजू बाजू बैठेंगे मस्त और आग सेकेंगे, आग सेकेंगे। ये हम शाम के 5 बज रहे और अंधेरा होने वाला है, मैं सुबह में 8:30 बजे पहुंच चुका था अपने घर पे। उसके बाद मैं नहाया एंड मेरे घर वाले बहुत खुश हुए मुझसे मिल के, अचानक से सरप्राइज सबको अच्छा लगा। मैं मेरी बहनों से मिल के आया, दुकान पे गया, मेरे अब्बू से मिला, सब खुश हुए बहुत, अभी सबसे मिलजुल के मैं आया हूँ। अभी ये ब्लॉग जो है मैं आज फिनिश कर दूँगा, ये लास्ट वीडियो है। जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो मैं यहाँ पे जो 7-8 डेज हूँ मैं, वो 7-8 डेज में क्या करूँगा वो मैं अपने थर्ड ब्लॉग में दिखाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।